दोस्तों, डंकी और सलार क्लैश पर साउथ स्टार कमल हासन का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। पूरा सिनेमा साउथ से लेकर बॉलीवुड तक इस बात की चर्चा हो रही है कि दो सबसे बड़े फिल्म मेकर्स आपस में क्यों टकरा रहे हैं। इसी दौरान साउथ के दिग्गज एक्टर कमल हासन इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। साउथ स्टार कमल हासन कहते हैं कि ये क्लैश साउथ और बॉलीवुड के लिए बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है और फायदा भी कर सकता है। वही कमल हासन कहते हैं कि डंकी के डायरेक्टर राजू हिरानी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कोई भी डायरेक्टर उनके 1% नहीं है। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रभास की तरफ से अभी सलार की रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये एक इगो क्लैश भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे जवान से सलार डर गया, लेकिन क्योंकि डंकी ने बहुत पहले ही बोल रखा था 22 दिसंबर क्रिसमस पर ही आएंगे, लेकिन अब अचानक सलार वाले जानबूझकर उसमें उंगली करेंगे तो हिंदी में नुकसान सलार का होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सलार को स्क्रीन देने से पहले पिछली फिल्म आदिपुरुष का रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये तो सबको मालूम है, फिलहाल शाहरुख सबसे आगे चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना फायदा देखेंगे और सलार को हिंदी में स्क्रीन कम मिलेंगे। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार भी अच्छी फिल्म होगी क्योंकि उसको प्रशांत नील बना रहे हैं और अमेरिका में सलार को 2000 स्क्रीन मिल चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? एक तरफ सलार है जो कि मास एक्शन से भरा होगा, वही दूसरी तरफ डंकी जो कॉमेडी और इमोशंस वाली फिल्म होगी, लेकिन उसका टॉपिक बहुत बड़ा है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। डंकी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया के किसी हिस्से से अपने घर वापस आना चाहता है, इसलिए फिल्म की शूटिंग भी विदेशों में की गई है। वही सलार को भी अमेरिकी आर्मी के साथ एक्शन करते दिखाया गया है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।